जैसा कि होली का बस कुछ ही दिन बाकी, एक दो दिन ही बाकी, तो अब मेरे यहाँ जा रही गुजिया बनने की तैयारी अब हो रही है। मतलब बहुत लोगों के यहाँ कुछ दिन पहले ही बनना स्टार्ट हो जाती है, पर मेरे यहाँ होली के एक दो दिन पहले बनती है। और अभी मैं ये नारियल खा रही हूँ क्योंकि हर दो दो घंटे में मुझे भूख लग जाती है, तो अभी मैं इसी से अपना पेट भर रही हूँ। इससे पहले मैंने नाश्ता कर लिया था, पर तब भी भूख लग रही है। और आज ब्लॉग में एक न्यू मेहमान भी है, मैक्स। ये देखिए, ये न्यू मेहमान जो आज मेरे साथ ब्लॉग शूट कर रहा है। मैक्स उधर देखो, खाना है, ये देखो। बेचारा अभी मक्खियों को खा रहा है और इसको भी ये खा। नहीं, तुम नहीं खाओगे। मतलब ये इसको भी खाना है, खाना है? नहीं, इसको को भी ये खाने का मन कर रहा है, पर यार तुमको नहीं मिलेगा, मैं ही खाऊंगी। बेचारा कैसे देख रहा है यार। जब ये ऐसे देखता है ना, बहुत इनोसेंट है लगता है, पर ये एक्चुअली में है नहीं, बहुत शैतान हो गया। मतलब अगर देखिए ना, गेट खुला है भाग जाता है, इतना ही शैतान हो गया। लो बस, एहसान फरामोश है, ये देख लिया, लेकर भाग गया। तो अभी तो शाम का टाइम हो रहा है, मैंने सोचा क्यों ना चलो अभी से मैं ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। और मौसम भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, वरना यार शाम के टाइम पे तो इतनी धूप रहती है कि बैठने का मन नहीं करता है, पर आज थोड़ा सही लग रहा है। और नन्ना मेरी आज कितने बजे, आज अनन्या 5 बजे उठी है। वैसे तो अनन्या का ये रहता है कि हाँ जल्दी सो जाएगी, कभी 11 बजे कभी बाद, आज सोई है 2:30 बजे, वो भी इतनी मुश्किल से मुझे सुनाना पड़ा है कि मैं क्या बताऊँ। इस टाइम पे भाई साहब वो इतनी ज़्यादा शैतान हो गई है कि मैं क्या बताऊँ। मतलब इतनी शैतान में नहीं थी जितना, अच्छा सही कहते हैं यार ये, मैं मतलब बिलीव नहीं करती थी, पर कहते हैं कि नानी के घर आके बच्चे बहुत बिगड़ जाते हैं, ये चीज़ एक्चुअल में है। वो जितना के घर में नहीं इतनी शैतान थी जितनी वो यहाँ आकर शैतान हो गए। एक मिनट ऐसा नहीं था कि मैडम शांति से बैठ जाए, इधर उधर उसको दौड़ना होता है। तो अभी तो वो अपने बड़े नाना के पास है, और अभी देखना वो कुछ देर में आ ही रही होगी, फिर मैं दिखाती हूँ, फिर मैं आपको उसकी रियल में शैतानियाँ दिखाती हूँ कि मैडम कितनी शैतान है, कितनी ज़्यादा वो शैतान हो गई है। कोई बात तो ये देखिए, हम लोग तैयारी कर रहे हैं गुजिया बनाने के, और ये मेरी छोटी हेल्पर जो मेरा काम बिगाड़ रही है, देख रहे हैं आप लोग। देखिए अनन्या क्या कर रहे, भैया क्यों नानी का काम बिगाड़ रही हो, देख लीजिए आप क्या कर रही है। अनन्या क्या कर रही हो, कार्तिक मामू बोलो, कार्तिक हाँ। ओ शोना नानी डांटेगी, शोना बस अब बस, शोना बस अब बस हो गया, बस करो बस। बनाओगे क्या अब भी?
बस अच्छा मामू को पप पप कर दो अनन्या सुनो प्यारी कर लो मौसी को नन्ना मौसी की मौसी को प्यार कर लो पता है डोमिनोज पिज़्ज़ा मुझे 50% ऑफ दे रहा है तो जैसे कि आपने देख ही लिया कि अनन्या ने हमारी कितनी हेल्प की है वो अलग बात है कि वो हेल्प कम काम ज़्यादा बढ़ा रही थी पर अभी कोई नहीं जैसे ही वो गई 50% हमारा काम हो चुका है मैं 50% कहूँ तो मैं स्टफिंग बन के तैयार हो चुकी हम स्टफिंग में खोया यूज़ नहीं करते हम मिठाई यूज़ करते हैं क्योंकि यहाँ पर सबको खोया कम मिठाई वाली गुजिया ज़्यादा अच्छी लगती है और हाँ हम बाहर की गुजियाँ होली के टाइम पे प्रेफर नहीं करते क्योंकि आज के टाइम पे इतनी ज़्यादा मिलावट हो रही है तो हमें यही अच्छा लगता है कि घर की बनी चीज़ें ही अच्छी रहती है तो इसलिए हम ज़्यादा क्वांटिटी में भी बनाते हैं गुजिया क्योंकि होली के टाइम पे इतने लोग मिलने आते तो हम घर की बनी हुई गुजिया भी उन्हें देते इसलिए बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनती है और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि यार नेक्स्ट मंथ हमारी एनिवर्सरी है मैं दो रीज़न से बहुत खुश हूँ फर्स्ट मतलब खुश नहीं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ फर्स्ट रीज़न ये है कि मेरे हस्बैंड आ रहे हैं सेकेंड रीज़न ये है कि फाइनली मैटरनिटी शूट हो पाएगा मैं उसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि यार मैं अनन्या के टाइम पे नहीं करवा पाई थी मेरा बहुत मन था पर नहीं हो पाया फाइनली इस बार मैं करा कर ही रहूँगी क्योंकि मेरा बहुत बहुत मन कर रहा और अब मुझे फिर से भूख लगने लगी कि 2 घंटे हो चुके हैं मुझे फिर से भूख लगने लग गई तो आज मैं आपके साथ एक रेसिपी शेयर करूंगी जो मुझे बहुत पसंद है चलिए देखते हैं कि मैं क्या बनाने जा रही हूँ आज मैं बनाने जा रही हूँ फरा ये यूपी की डिश है और मुझे फरा बहुत पसंद है तो उसके लिए मैंने लिया 15 से 20 लहसुन 1 इंच अदरक और कम से कम 8 से 7 मिर्ची क्योंकि जितना आपको स्पाइसी पसंद है आप उतना ही डालिएगा इसको मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है और ये जो आप दाल का मिक्सचर देख रहे हैं उसको मैंने पहले ही पीस लिया था और ये है चना दाल और उड़द दाल अब मैं इसमें जो मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट था वो उसमें डालूंगी अब इसमें डालेंगे हम गरम मसाला मैंने इसमें 2 चम्मच गरम मसाला डाला है और करीब 1 चम्मच के आसपास मैंने हल्दी डाला है इसमें मैंने लाल मिर्च का पाउडर यूज़ नहीं किया क्योंकि मैंने ऑलरेडी मिर्ची डाल रखी थी तो इसलिए मैंने लाल मिर्ची का पाउडर नहीं डाला है और आपको स्वाद अनुसार ही नमक डालना है क्योंकि जो हम इसका आटा बनाएंगे उसमें भी नमक रहेगा तो इसीलिए आप कम ही नमक डालिएगा इसमें अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी और ये मेरा मिक्सचर रेडी हो चुका है और साथ ही में मैंने आटा भी इसका पहले ही गूंद लिया था मैंने आटे में बस थोड़ी सी अजवाइन और नमक डाल के इसका मैंने आटा गूंद लिया है अब मैं फरा की प्रिपरेशन करने जा रही हूँ सॉरी फॉर दी मिस बहुत ही गंदा किचन हो गया था तो मैंने इसकी छोटी छोटी पहले मैंने पूरियाँ बनाई थी और अब मैं उसमें 1 स्पून भर के मैं इस मिक्सचर डालूंगी मैंने सेंटर में मिक्सचर डाला है और साइड साइड में मैं पानी लगा देती थी ताकि अच्छे से चिपका रहे इसकी जो स्टफिंग है वो बाहर ना निकले मैंने ऐसे ही बाकी भी अपने बना लिए अब मैं इनको पानी में डालूंगी क्योंकि मेरा पानी भी बॉयल हो चुका है अब मैं एक एक करके अपने सारे फरे को इसमें डाल दूंगी उसमें मैंने थोड़ा सा नमक भी डाला है ताकि इसका टेस्ट और अच्छा हो जाए तो इसे मुझे कम से कम 5 से 7 मिनट तक उसे बॉयल करना है एक साइड मेरे फरे बॉयल हो रहे हैं आप ऐसे भी खा सकते हो गरम गरम जैसे वो बॉयल हो जाए आप गरम गरम खाओ बहुत टेस्टी लगता है पर मुझे फ्राई वाले बहुत पसंद है तो मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा तेल लिया और जैसे वो तेल गर्म हो गया मैंने राई डाली
फिर मैंने उसमें प्याज डाला, प्याज को मुझे सॉफ्ट होने तक ही पकाना था, मतलब इतना ओवर कुक भी नहीं करना है। जैसे वो थोड़े से सॉफ्ट हो गए, मैंने उसमें दो ग्रीन चिली डाली, उसको स्प्लिट करके डाला है। जैसे वो सॉफ्ट हो गए, मैंने हल्दी, बहुत थोड़ा सा मैंने लाल मिर्च का पाउडर डाला है, क्योंकि चटपटा अगर होगा बहुत अच्छा लगेगा। मैंने मसाला डाल दिए, अब मुझे मसालों को पकाना है, कम से कम 1 से 2 मिनट तक मसालों को पकाना है, ताकि उसका जो फ्लेवर वो और अच्छे से आ जाए। 1 से 2 मिनट तक बस मुझे पकाना है। जैसे वो पक गया, मैंने उसमें मीडियम साइज़ का टमाटर डाल दिया। मुझे इसे भी पकाना है, जब तक कि थोड़ा सा टमाटर सॉफ्ट ना हो जाए तब तक पकाना है। तो जैसे मेरा टमाटर भी एकदम पक गया, थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया, लास्ट में मैंने डाला था अचार का मसाला। आपके पास कोई भी अचार का मसाला हो आप वो डाल दो, उससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, मतलब यार 10 times बढ़ जाता है टेस्ट, इतना अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपके पास नहीं है कोई बात नहीं, आप खटाई डाल सकते हो या फिर खटाई का मसाला डाल सकते हो, उससे टेस्ट और अच्छा आता है। तो ये मेरा मिक्सचर रेडी हो चुका है, अब मैं इसमें फ्राई डाल दूँगी, क्योंकि मैंने अलग से फ्राई निकाले थे, उसको मैंने ठंडा किया, फिर उसको मैंने स्लाइस में काट लिया था छोटे छोटे क्यूब्स में। अब मैं उसको फरे को डाल दूँगी और फिर मैं उसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो ये मेरा फरा बनके रेडी हो चुका है, बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है, बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं कर पा रही, बस मन कर जल्दी से खा लूँ इसे। ये बनके रेडी हो चुकी है, इसमें एक्चुअली प्लेट में थी 4, मुझे एक ही मिली खाने को, तो मैं अब जा रही खाने, क्योंकि मैंने फरा खा लिया तो फरा से मेरा पेट भर चुका है। और यार इतना टेस्टी बना था कि मैं बता नहीं सकती हूँ, अगर आप ऐसे फरा बनाओगे ना तो बहुत ही यम्मी बनेगा, मैं गारंटीड के साथ कह सकती हूँ। और हाँ, मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, जैसे प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत लोगों को हीट बर्न की प्रॉब्लम होती है, मुझे भी होती है, तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँगा, अगर वैसे आप फॉलो करोगे तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर जैसे आपको बहुत ज़्यादा हीट बर्न हो रहा है, तो फर्स्ट आप ये करो कि चिल्ड वाटर में 1/2 लेमन स्क्वीज़ करके आप उसे पी लो, आपको उससे भी आराम मिलेगा। सेकेंड चीज़ आप ये कर सकते हो, या तो चिल्ड दूध पी लो, उससे भी आराम मिलता है। थर्ड चीज़ है कि आप अगर बहुत ही ज़्यादा आपको तेल मसाला पसंद है तो आप उसे थोड़ा सा अवॉइड कर दो, मतलब कम डालो। अगर आप ये चीज़ें फॉलो करोगे तो आपको कम दिक्कत होगी, हीट बर्न या तो होगी नहीं, या तो होगी भी तो बहुत कम होगी, लाइट सी होगी। सेकेंड जो मेरी एडवाइस है वो ये है कि आप जितना हो सके उतना पानी पियो, क्योंकि पानी आपके लिए और आपके होने वाले बेबी के लिए बहुत ही अच्छा हो। इसीलिए मैं 1 लीटर की बॉटल हमेशा अपने साथ रखती हूँ, क्योंकि मुझे हर 2-2 घंटे में प्यास लगती है, अगर नहीं भी लगती तब भी मैं पीती हूँ। तो आप ये चीज़ ज़रूर फॉलो करना कि हाँ, थ्रू आउट प्रेगनेंसी जितना हो सके आप उतना पानी का इनटेक अपना थोड़ा बढ़ा लो, क्योंकि बहुत ही अच्छा होता है प्रेगनेंसी के टाइम पर पानी पीना। तो अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना। अब मैं अपने ब्लॉग का एंड करने जा रही हूँ, मैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगी। बाय बाय।